बेबी को इस तरह से रैप करने से बेबी की बोन्स को गर्माइश मिलती है और बैक वगैरह भी स्ट्रेट होती है और इस तरह से बेबी रिलैक्स होके सो भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनिकास वर्ल्ड, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कवर अ न्यूबोर्न बेबी ड्यूरिंग चिला। यस, न्यूबोर्न बेबी को अच्छी तरह से कवर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अभी जैसे कि जून है एंड आई एम स्टिल कवरिंग माई बेबी, क्योंकि अगेन बेबी की बोन्स वीक होती हैं, उनको हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर बेबी की बोन्स को गर्माइश मिलेगी तो वो अच्छे से ग्रो होंगी, वो स्ट्रांग होंगी और बेबी का वेट गेन होगा। फॉर एग्जांपल, जब एक मदर बेबी को बर्थ देती है, वो चिले में होती है, तो उसकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हुई होती है क्योंकि उसने अभी अभी एक बेबी को बर्थ दी होती है। तो अगर वो अपना मदर अपना हेड कवर करके नहीं रखेगी, लेग्स को कवर करके नहीं रखती, तो हवा लगना स्टार्ट हो जाती है और पेन स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने हेड को कवर प्रॉपर करके नहीं रखती थी तो मेरे हेड में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती थी। इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि फिर मैंने हेड को कवर रखना स्टार्ट किया तो मेरी पेन एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। आपको हवा पंखे की भी नहीं लगनी चाहिए, स्टिल जून में भी आपको कवरिंग की ज़रूरत होती है। और अगर मैं लेग्स पे कम्फर्टर वगैरह नहीं लेती थी तो मेरी लेग्स बहुत ज़्यादा पेन करती थी। तो इसी तरह से बेबी को भी, बेबी क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक होता है, अभी अभी उसकी बर्थ हुई होती है, उसको प्रॉपर कवर करना होता है ताकि उसकी बोन्स को हवा ना लगे और पेन वगैरह ना हो। और जब तक बेबी को प्रॉपरली कवर ना किया हो, वो प्रॉपरली पैक ना हो, तो वो सुकून से सो भी नहीं पाता, बार बार उठता रहता है। तो इस वजह से बेबी को कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे वीडियो में देखें कि बेबी को किस तरह से कवर करना है और गर्मियों में कितना कवर करना है और विंटर में कितना कवर करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने एक बेबी रैपिंग शीट ले ली है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी, इस तरह से बनी हुई है। ये थोड़ी सी मोटी है, लाइक आप विंटर में इस तरह की रैपिंग शीट में कवर कर सकती हैं। ये इस तरह से बनी है, इसकी एक कैप होती है और फोर साइड से ये स्क्वायर होती है। जो पिंक वाली रैपिंग शीट है वो विंटर के लिए होती है और ये वाली रैपिंग शीट समर के लिए है। ये आपको इजीली मिल जाएगी, इसका पतला सा स्टफ होता है। अगर आपका चिला समर में है तो आपने ये वाली रैपिंग शीट में बेबी को कवर करना है और जस्ट चिला में करना है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से बेबी को ऊपर लटा देना है, कैप हम बेबी के हेड पे दे देंगे। अगर विंटर है तो इस तरह से कैप से कवर कर दें बेबी को, अगर समर है तो कैप इस तरह से देने की जरूरत नहीं है। फिर इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर दें और फिर उसके बाद हमने बेबी को स्ट्रेट इसके ऊपर लेटा दिया है। देन जो नीचे वाला कॉर्नर है वो आपने लेना है। ये देखें जी, कॉर्नर थोड़ा सा लंबा है, अगर हम ऐसे रखेंगे तो बेबी के फेस पर आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देना है एंड देन बेबी के ऊपर दे देंगे। और इसके बाद जो साइड वाला कॉर्नर है वो इस तरह से उसके ऊपर फोल्ड करना है और बेबी की जो लेग्स हैं वो आपने इस तरह से स्ट्रेट कर देनी है ताकि बेबी की लेग स्ट्रेट रहें। और जो लास्ट वाला कॉर्नर है वो इस तरह से हमने ऊपर कवर करके और उसको बाकी का नीचे दे देना है। तो इस तरह से जी सिंपल से तरीके से बेबी बिल्कुल पैक हो जाएगा और बेबी बिल्कुल वार्म रहेगा और उसको किसी भी किस्म की हवा वगैरह नहीं लगेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी बेबी की क्रेडल। तो इस तरह से जी बेबी की क्रेडल आपको मार्केट से मिल जाएगी, इसको इस तरह से हिलाया जाए तो बेबी को झूला मिलता है, तो इसमें बेबी इजीली सो जाता है। मैंने अपने तीनों बेबीज की दफा यही क्रेडल यूज की है। और यहाँ पे देखें जी, अगर हम डायरेक्ट बेबी को लेटाएंगे ना, क्योंकि ये बहुत नीचे की तरफ होती है, तो डायरेक्ट बेबी को लेटाएं तो वो ठीक से इसमें नहीं लेट पाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो मैंने एक खेस रख दिया है, ऊपर मैं एक बेडशीट को फोल्ड करके रख रही हूँ और उसके ऊपर ये हेड शेप पिलो रखना है। हेड शेप पिलो की अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप देख लें। और उसके ऊपर जी बेबी को लटा देना है। बेबी इस तरह से जब लेटता है ना तो उसका हेड बनता है, हेड की शेप प्रॉपर आती है। साइड पे जी सॉफ्ट वाले कॉटन के पिलोस हैं और दरमियान में हार्ड शीट है, जिससे बेबी की हेड शेप बनेगी, हेड पीछे से फ्लैट बनेगा। और यहाँ पे जी बेबी को लेटाने के बाद, अगर बेबी बड़ा हो जाए, चिले में आपने रैप करना है, लेकिन चिले के बाद आपने रैप नहीं करना, उस तरह से बेबी को रैपिंग शीट दे देनी है ऊपर और ऊपर से बेबी को कवर कर दें और साथ में बेबी को झूला दें, तो बेबी झूले लेते लेते आराम से सो जाएगा। ठीक है, तो बेबी को फीड करवाने के बाद आपने इस तरह से क्रेडल में लटा देना है, ऊपर से कवर कर दे और बेबी इजीली सो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।
इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकती हैं, वहां पे मैं सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।